सबका दल यूनाइटेड ने लोकसभा डुमरियागंज के संसदीय क्षेत्र में किया नामांकन। जनपद सिद्धार्थनगर के लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज से अपना प्रत्याशी उतारा है, जहां सिद्धार्थनगर के लोकसभा क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी का सत्ता कायम रहा, वहीं सिद्धार्थनगर के सबका दल यूनाइटेड के प्रत्याशी केसरी नंदन कौशल उर्फ बंटी लोधी को प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र से चुनाव में उतार दिया है। वहीं मंडल प्रभारी राम नरेश लोधी ने डुमरियागंज सीट पर बाहरी प्रत्याशी को नज़रअंदाज कर स्थानीय प्रत्याशी को जिले का कमान सौंपने को मीडिया से अपील किया और सिद्धार्थनगर के बेरोजगार गरीब दबे कुचलों को जागरूक करना और उनके हक अधिकार दिलाने और जनपद का विकास करना प्रथम मुद्दा बनाया है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता सोनू लोधी ने कहा कि हमारी पार्टी विकास के मुद्दे पर चलने एवं चलाने के लिए कार्यकर्ता तैयारी कर चुकी है, जिससे जनपद का विकास होगा और जनता स्थानीय प्रत्याशी को चुनेगी, यह भी जनता ने तय कर लिया है। हमारे प्रत्याशी श्री केसरी नंदन जी और सुमंडी लोधी जी हैं, जो इस 60 डुमरियागंज लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। किस पार्टी से? सबका दल यूनाइटेड पार्टी से लड़ रहे हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या? हमारा चुनावी मुद्दा भूख, भय, भ्रष्टाचार जो इस क्षेत्र में काफ़ी जकड़ चुका है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र को लूट करके पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। तो हमारा पहले तो उनसे लड़ाई है कि और दूसरी लड़ाई यह है कि हम इस क्षेत्र से बाहरियों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। नहीं, इस समय देश की बड़ी बड़ी पार्टियाँ इसमें चुनाव लड़ रही हैं, इस बीच में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया है, प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है, और पार्टी कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, पार्टी सारी समान होती हैं। और रही बात चुनावी मुद्दे की, तो चुनावी मुद्दा यह है कि यहाँ पर जो लोग 10 सालों से बाहरी लोग आए हुए और कोई बाहरी तमाम लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ से बिल्कुल नस्तनाबूद करते हुए हम अपनी पार्टी को जिता करके गरीबों के हक को, किसानों के हक को, मजदूरों के हक को, बेरोजगार नौजवानों के हक को सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का हम लोग काम करेंगे। खबर जगत 24 न्यूज़ सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।